इसके साथ वेलकम बैक टू हीरो होंडा सारेगामापा सिंगिंग सुपरस्टार। क्या बात, अभिलाषा, विशाख, कमल भाई आप तीनों फाइनलिस्ट हैं, तो मैं आपको मौका देता हूं, अगर जनता को थोड़ा और मक्खन लगाना है, वोट्स मांगने तो मांग लीजिए। चलिए प्लीज जनता, मुझे वोट दीजिए। रुक जाओ तुम लोग यार, एक एक करके वोट मांगना था, पर चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जनता आपकी दीवानी है, खूब सारे वोट्स आपको ऑलरेडी कर रही है। चलिए मैं एक बात और यहाँ पे आपको पूछना चाहता हूँ। इनफैक्ट एक तो मैं हूं जो म्यूजिक के बारे में बड़ा थोड़ा जानता हूं, पर आपकी तारीफ करता हूं, है? और एक वो तारीफ है जो म्यूजिक के दिग्गज जैसे इस्माइल दरबार साहब जब वो तारीफ करते हैं तब कैसा लगता है। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसे गुणी लोग हमारे गाने की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी होगी जो उन्हें अच्छी लगती है। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे गुणी लोग हमारी तारीफ करते हैं। क्या बात है। और विशाख, ये लोग ऐसे झूठे तारीफ नहीं करते, मतलब किसी का अच्छा ही है तो उसको अच्छा बोलते, जिसका बुराई है, थोड़ा बहुत कमी है, उसको बोल देते ताकि वो और भी इम्प्रूव कर सके उसके ऊपर। ऐसे झूठा तारीफ नहीं करते, ये हम लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है। अभिलाषा, बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम आदमी भी अगर अप्रिशिएट करता है तो दिल से ही करता है, तो वो भी अच्छा लगता है। क्या बात है, ये तो इन लोगों का कहना है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि इस्माइल दरबार जी जब हमारे सेट पर आए थे तब इन तीनों के बारे में उन्होंने क्या कहा। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। बहुत अच्छा गाते हो, बहुत दिल से गाते हो, दिल तक पहुंचने वाली बात आपके अंदर है, ऐसे ही गाते रहो, बहते चले जाओ। इस्माइल दरबार जी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, और जो चीज़ मैं अपने गाने में करना चाहता था उन्होंने उस चीज़ की तारीफ की और मुझे सराहा और मुझे बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यार तुमने इतना अच्छा गाया, मैं तुम्हारे साथ आगे कमेंट लेना चाहता हूँ। मेरे मन में सिर्फ यही डर था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे गाने को लेके कोई बुरा कमेंट्स आए, क्योंकि मेरे साथ विशाल जी खड़े थे, वो कमेंट्स ले रहे थे मेरी तरफ से। बुरा कमेंट्स मिलता तो मेरे मन में यही रहती कि उनकी इमेज खराब होगी। तेरी उम्र बड़ी कच्ची है, मगर तू जब भी किसी के साथ खड़ा होगा तो अकेला ही नजर आएगा। मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा तू अलग है, तू कहीं पे भी होगा तेरी का अलग पहचान होगी, तेरा अलग नाम होगा, तू अपना अलग नाम बनाएगा दुनिया में। वो चीज़ें, उनकी बातें, वो मेरे जहन में आ रही थी, तो मुझे बहुत खुशी होती ये बातें सुन के। शेखर, मैंने कल ही डिसाइड किया था कि कमल को तीसमार खान फिल्म में एक गाना दिया जाएगा। माइंड ब्लोइंग। मैं समझता था कि भगवान मुझे हर दिन हर पल एक नई खुशी, हर खुशी दे रहा है मुझे, क्योंकि जिस चीज के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गौरी प्रणयाय, गौरी प्रवणाय, गौरभावाय धीमहि, गो सहस्राय, गोवर्धनाय, गोपगोपाय धीमहि, गुणानीशाय, गुणानीशाय, गुणप्रविष्टाय धीमहि। माइंड ब्लोइंग जो बोलते हैं ना, माइंड ब्लोइंग अफलातून, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समां, क्या जमाना था। यार पहले उस लड़की का नाम बता दो। सर वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी सर। नहीं बेटा, प्यार किया तो डरना क्या। ऐसे कैसे बता सकता हूँ कि वो हसीना कौन है, इसलिए मैंने किसी के सामने बताया नहीं। इस्माइल भाई, इनकी गायकी के बारे में आप क्या कहेंगे? जब तक अपनी उस लड़की का नाम नहीं बताएगा मैं गाने बजाने की बात नहीं कर सकता हूँ। मतलब उसका नाम सर एस से शुरू होता है सर। बड़ी मुश्किल से उसने एक लेटर बताया और उसके बाद से दो तीन हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा। मुझे नाम पता लगा उस लड़की का नाम, सुरेश। एक काम करो यार, आप एक एक करके सबकी समस्या हल करते जाओ, सेकंड लेटर बोल दो। ओ, सो 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 सो। अगले तीन चार एपिसोड में जब सब पूछ रहे थे कि वो हसीना कौन है कौन है, तो मैंने तंग आके ऐसे ही कुछ नाम बोल दिए। सनम, सोनम, ओके, सोनम, सोनम,
फाइनली विशाख ने एक भलताच नाम लिया एंड थैंक गॉड उसने ले लिया बाबा, वरना पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता था। वैसे मैंने देखा था लोग अपने गुरु का नाम कानों को हाथ लगा के लेते हैं, इतने गर्लफ्रेंड का नाम ऐसे लिया सोनम। मजाक मस्ती चलता रहा, कॉम्पिटिशन भी चलता रहा, पर हमें दूसरे चीजों में भी हिस्सा लेने का मौका मिला। हम लोग का जो बाहर पहला परफॉर्मेंस था वो था ठाणे में दयांडी के अवसर पर। वैसे आपको बताओ, म्यूजिक के महामंच पर इस बार एक और खास चीज देखने को, इस मंच पर एक ऐसी महान हस्ती आई। म्यूजिक की अगर बात हो और इनका जिक्र ना हो तो सब कुछ इनकम्प्लीट है। और एक और खास बात, वो ज्यादातर रियलिटी शोज में आते भी नहीं है। तुम एआर रहमान जी की बात कर रहे हो? अरे करेक्ट, बिल्कुल एआर रहमान साहब। यार मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, जब वो इस मंच पे आए, और मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलो। जिस टाइम एआर रहमान साहब हमारे सेट पे आए थे तो वो दिन तो डेफिनेटली हमारे लिए यादगार दिन था। जाहिर सी बात, इतना अच्छा लगा उनके साथ कि मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। इतने सिंपल थे। जब मैं स्टेज पर गई मेरे परफॉर्मेंस के पहले, उनका फेस पे एक हल्का सा स्माइल था, उससे मेरा पूरा जो वरीज था सब वैनिश्ड। या एक्साइटमेंट इतनी होगी कि लग रहा होगा अरे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। विशाख कैसा हुआ? वो हमारे सेट पे आई है, हम लोगों के लिए भगवान के दर्शन मिल गया, यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। क्या बात है, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप लोग। एंड आई एम डैम श्योर यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उस दिन की अगर थोड़ी सी और झलक देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। देखते हैं। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि ऐसे माहिर म्यूजिक डायरेक्टर के सामने गाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, और उनके सामने मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगा। हम लोग इतने नर्वस थे कि पूरा टीम, पूरा सारेगामापा का टीम नर्वस था। हम लोग के रिहर्सल्स 2-3 बार लिए गए थे ताकि कुछ मिस्टेक्स ना हो टेक पर। I think it was amazing because it's. I was just noticing her that she didn't take the breath till she finished each phrases. That was an amazing thing. Because normally they take the well, so well done, really beautiful. Thanks. Thank you. Wow. Thank you so much. That thing, I felt very good that they had very appreciated that thing because I had very focused on that thing, my breath. It was great, especially this impromptu, amazing combination. Really, he's got a great ease, amazing. हम सभी उन्हें संगीत का परमात्मा मानते हैं। उनके हाथों से मुझे अवार्ड मिला तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती।